बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने बात की है। थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन की ओर से ये संकेत दिए जा रहे थे कि हम जेडीयू और टीडीपी से बात करेंगे। जो रुझान और जिस तरह की तस्वीर बनती दिख रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ये संकेत देने की कोशिश की थी कि हम बात करेंगे एनडीए के घटक दलों से, और अगर उनमें से कुछ आते हैं हमारे साथ तो हम मिलकर सरकार बनाएंगे। इस तरह के संकेत इंडिया गठबंधन ने देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी प्रमुख से बात की प्रधानमंत्री ने। यही मेन का एक चीज हम देख रहे थे, अभी किसी से बातचीत कर रहे थे किसी नेता के साथ हमारे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक आपको क्यों बताएं, हम किन किन घटक दलों के साथ बात करने वाले हैं, हम क्यों बताएं आपको, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी को पहले ही बीजेपी चुरा लेगी। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीडीपी से बातचीत की है उसके बाद कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। जी हाँ, तो पहले ही संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिए थे, और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर ली है, तो अब इसका असर देखिए लगाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। आनंद जी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं देखिए, चंद्रबाबू नायडू हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हम उनके साथ हैं, और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टीडीपी ने जबरदस्त सफलता विधानसभा चुनाव में हासिल की है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अगर उनसे बात की है तो एक बहुत ही शिष्टाचार, ये तो एक कटसी है, बातचीत करना ही चाहिए, और निश्चित रूप से उनको उन्होंने बधाई दी होगी कि भाई जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए ने वहां बेहतर प्रदर्शन किया, इन सारी चीजों को लेकर निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। और साथ ही ये भी बताएं कि उधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी संकेत दिए गए। ओपी राजभर को बड़ा झटका, अरविंद राजभर भी पीछे चल रहे हैं। ओपी राजभर, शीनम, जो बार बार कह रहे थे कि राजभर वोटों पर तो हमारा ही है, हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े तो हमारे साथ हैं, लेकिन ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर और वो पीछे चल रहे हैं। एसपी के राजीव आगे चल रहे हैं घोसी में, इस पर भी आनंद जी बोलिए। आनंद जी आ रहे हैं, वो हमारे अनुमान के, हमारे उम्मीदों के विपरीत। एक बार टैली जो है वो स्थिर हो जाए और चीजें समझ में आए कि कौन सी सीट कहाँ जा रही है, कितने हम पीछे हैं, कहाँ से हम आगे हैं, तो उस पर ज्यादा आसानी से टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि जो रुझान है, ज्यादातर जगह जो रुझान हमारे आशा के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि एनडीए को बहुमत इस देश की जनता ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास इस देश की जनता ने जताया है, और निश्चित रूप से हम तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अपने सहयोगियों के साथ सफलतापूर्वक सरकार चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इंडिया गठबंधन ने आपको एक अच्छी फाइट दी है, मजबूत लोकतंत्र की तो ये निशानी होती है ना, जहाँ पे सरकार मजबूत हो तो विपक्ष भी मजबूत, तो इसके लिए उन्हें बधाई तो दीजिए यूपी में। नहीं, निश्चित रूप से, मैंने तो पहले ही आपके साथ मैं जब बैठा तो मैंने दीपक रंजन जी को बधाई दी कि भाई आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, आप अच्छा कर रहे हैं, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आपने शायद ये काम पहले किया होता तो ये इतनी दुर्गति आपको 2014, 2019, 2022 में नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन ठीक है, यदि आप जनता ने आप पर कहीं कुछ सीटों पर, कुछ इलाकों में अगर आप पे भरोसा जताया है, ठीक है, भरोसे पर कायम रहिए और उसको। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रिएक्शन ही ले लेते हैं आपका, उसके बाद आगे की चर्चा भी शुरू करेंगे और उसके बाद आगे की खबरें भी बताएंगे। लेकिन अभी जो टैली आप देख पा रहे हैं, एक नजर डालिए और अपना रिएक्शन दीजिए, क्या लगा था इतना बड़ा उलटफेर हो जाएगा? देखिए, बात तो यही थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो तो बात को रखा गया था कि 400 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा इसीलिए था
क्योंकि उनको पता था कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो जमीनी स्तर पर वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो टकराव की स्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी ये शाम तक जब तक ये जाएगा जो है तो ये मार्जिन जो अभी कहीं पे 800 का चल रहा है, कहीं 900 का चल रहा है, कहीं 1000 का चल रहा है, तो ये स्थिति क्लियर होगी 4 बजे के आसपास क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से एक तरह से इनिशिएट कर दिया है। मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी टीडीपी प्रमुख से फोन पर बात की है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि हम टीडीपी से और जेडीयू से बात करेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए, ये संकेत थे। प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया, तुरंत ही चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर ली है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है कि इस बार वो 400 पार वाला मैजिक तो नहीं है? नहीं, देखिए चंद्रबाबू नायडू जी के साथ ये पहली बार बात थोड़ी नहीं हो रही है, जो अब लगातार पिछले चुनाव से पहले एक महीना कोई डर है क्या कि कहीं नहीं, वो चले कोई ना डर नहीं है आप कहीं वो चले ना जाए दूसरे पाले नहीं, में। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव जो विधानसभा का है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में जीता है ना, वहां पर भी तो सरकार बन रही है इनकी। ये बात तो रहने दीजिए, हमने कई गठबंधन को बनते बिगड़ते टूटते देखा है कि हम चुनाव लड़ते किसी और के साथ है पॉलिटिकल दल और जीतने के बाद सत्ता किसी और के साथ बनाते हैं। महाराष्ट्र में देखा हमने, बिहार में कई बार बदलते देखा पाला। तो क्या कोई डर है टीडीपी और जेडीयू को लेकर? देखिए इस प्रकार का कोई डर नहीं है चूंकि आप और उत्तर प्रदेश की एक बार सीटों का बता देते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहा है यूपी में बीजेपी जबकि 32 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है। तो बेहतरीन प्रदर्शन ये अखिलेश यादव का माना जा रहा है। क्या क्या वो फैक्टर्स लगते हैं आपको सौरभ जी जिसके चलते समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई, इतना बड़ा मार्जिन अभी चल रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी पे मैं आ रहा हूँ, इनका नायडू जी चंद्रबाबू जी वाला जवाब दे दूं मैं उसमें कि निश्चित रूप से देखिए जो सरकार बनने जा रही है उसमें जो गठबंधन के साथी हैं वो इस बार महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। ईमानदारी से इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और जिस प्रकार से चूंकि ये नियम के तहत जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं सरकार बनाने के लिए तो बुलावा उसी को जाएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बन रही है, कोई विपक्ष की सरकार तो बन नहीं रही है। और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और ये विधानसभा में अगर चुनाव में जीत हुई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उसका लाभ मिला है उनको, तो मुझे लगता है ठीक है एक महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जरूर रहेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मतलब आपके कह रहे हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत है वो सरकार बनाने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यूपी पर आते हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 37 पर वो आगे है समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी 75 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और वो 32 पर आगे दिख रही है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो नतीजे आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ इसमें जो है परिवर्तन हुआ है मैं मानता हूँ। कुछ जगहों पर देखिए व्यक्तिगत रूप से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि मुझे कहने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ लोगों का व्यक्तिगत अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया पार्टी के ऊपर। किसकी तरफ इशारा है? नहीं, जिसका भी है मैं तो बिल्कुल खुल करके कहता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो व्यक्तिगत जो उनका अहंकार है उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी के ऊपर भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है कोई कमी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार रिपीट हुए और वहां वहीं पर मुझे कहीं ना कहीं ये नुकसान दिख रहा है। ये मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। रिपीट में तो पार्टी ने टिकट दिया और बीजेपी के लिए तो कहते हैं कि 7 राउंड 7 चरण होते हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है ये फाइनल करने में। तो अगर मैं ऐसे में कोई कैंडिडेट अगर आप कह रहे हैं कि गलत पार्टी ने चुन लिया तो फिर तो ये भी फेल्योर पार्टी कही? नहीं नहीं, मैंने आपको इशारे किया आप पकड़ नहीं पा रहे हैं जी। मैंने दोनों बातें आपको कह दी जो है इशारों में कि पार्टी ने टिकट दिया उनको जरूर, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जो है ना स्वभाव वो जनता के बीच में कैसा रहा, क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच कैसा रहा, कितना क्रेडिट देंगे वो तो पीडीए की ओर से, पीडीए का मुद्दा उठाया गया। मैं एक बात तो स्पष्ट कह देता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या गठबंधन की जीत नहीं है, वो बिना मुद्दों के, ये जनता ने जो है एक परिवर्तन जो है जनता चाह रही थी लेकिन वो समाजवादी पार्टी के मुद्दों पर नहीं गई है। अब चूंकि कैंडिडेट वहां पर उत्तर तो प्रदेश पूरा, बड़ी पूरा का पूरा तो आप कहना चाहेंगे कि कैंडिडेट सिलेक्शन का ही मुद्दा रहा और कोई वजह नहीं रही? कैंडिडेट सिलेक्शन का भी मुद्दा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ जगहों पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो जनता के बीच में ठीक नहीं। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, अजय टम्टा जीत गए हैं उत्तराखंड। अल्मोड़ा सीट अजय टम्टा की जीत हुई है, ये क्लियर हो गया। उत्तराखंड में 5 की 5 जो लोकसभा सीट है, रुझानों में
बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, जिसमें से एक की तस्वीर क्लियर हो गई। अजय टमटा बीजेपी की ओर से अल्मोड़ा से चुनाव मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली है, ये तस्वीर क्लियर हो गई है। उत्तराखंड के लोगों का दिल ना लगता है कि बीजेपी के लिए ही अब धड़कता है। हमने देखा कि 2014 में, 2019 में और अब 2024 में एग्जिट पोल में भी 5 की 5 सीट बीजेपी को जाती दिख रही थी और रुझानों में भी वही दिख रहा है। एक जगह जहां तस्वीर क्लियर हो गई है वो है अजय टमटा की तस्वीर, जो कि अल्मोड़ा से चुनाव मैदान में थे और वो जीत गए हैं। प्रदीप टमटा थे उनके विपक्ष में और अजय टमटा की जीत हो गई है, अल्मोड़ा की ये तस्वीर क्लियर हो गई है। तो अब एक एक कर ये सिलसिला शुरू हो गया है, जैसे जैसे कैंडिडेट्स की जीत सुनिश्चित होती जा रही है, जैसे जैसे उनकी कैंडिडेट्स की जीत का फैसला होता जा रहा है, वैसे वैसे हम आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से अजय टमटा जीत गए हैं। अभी बाकी 4 जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहां का भी नतीजा आ जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड जैसा राज्य यहां पर बहुत जल्दी ही नतीजा आ जाता है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। अभी अभी सौरभ जी कह रहे थे कि कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक मुद्दा रहा और इसकी वजह से भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। अंबेडकर नगर एसपी के लालजी वर्मा आगे हैं और 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, लालजी वर्मा 1,03,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं इस वक्त। बसपा से आए हुए थे रितेश पांडे जी, यहाँ पर अंबेडकर नगर में आए हुए थे। हाँ। जो पहले बसपा से चुनाव जीता था और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था, तो ये भी एक कारण देखिए यहाँ पर दिख रहा है जो मैं कह रहा था आपको कि ये सपा यानी कि दूसरे दलों से आकर सीधे टिकट पा लेने वाले नेताओं के खिलाफ नाराजगी इलाके के लोगों ने दिखाई। आप ये कह रहे हैं अवधेश प्रसाद फैजाबाद, ये बताइए जरा, वहां तो कहा जा रहा था कि लल्लू सिंह ही जीतेंगे, लेकिन लल्लू सिंह को कड़ी टक्कर नहीं दी है बल्कि अभी तो आगे चल रहे हैं, हालांकि अभी नतीजों का इंतजार करना होगा। फैजाबाद जहां से सीधे सीधे राम मंदिर का मुद्दा जुड़ता है, विकास की बात भी हो रही थी, और फैजाबाद में टक्कर अवधेश प्रसाद, क्या उनको हल्के में लिया गया, क्योंकि वो भी सीनियर मोस्ट नेता, 9 बार के विधायक और वो चुनाव मैदान में थे, उन्हें क्या हल्के में ले लिया गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि राम मंदिर चुनावी विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लल्लू सिंह जी की बात हो रही है, जो अयोध्या सीट की बात हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि वहां पर जो है टक्कर जो है मुकाबला जो है ना मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, और उसी कड़े मुकाबले के चक्कर में जो है वो यहाँ पर जो है लल्लू सिंह को ये रखा गया कि वो वापस रिपीट कर जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है समय लगेगा रिजल्ट आने में, थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए हमें, लगभग 3-3.30 बजे तक स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 3-3.30 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि फैजाबाद में अगर नतीजे पर लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और वो मैसेज पूरे देश के लिए होगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस पर तो बात होती रहेगी। तनुज पुनिया 12 लाख से ज्यादा वोटों से बलिया से एसपी के सनातन पांडे आगे चल रहे हैं, बलिया की तस्वीर। बीजेपी के नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं, तो बड़ी खबर इस वक्त हम लगातार न्यूज 18 पर आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए आपको लगातार जो हम जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भी बता रहे हैं और जो आगे चल रहा है उसके बारे में भी बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेनका बताइए। देखिए तो बलिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बलिया से एसपी के कैंडिडेट हैं सनातन पांडे, वो आगे चल रहे हैं और मेरठ से अरुण गोविल फिर पीछे हैं, अरुण गोविल एक बार फिर पीछे हैं। टीवी के राम को मेरठ से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा और वो पीछे चल रहे हैं, अरुण गोविल एक बार फिर पीछे हो गए हैं, आगे पीछे होने का ये दौर भी चल रहा है, लेकिन एक बार फिर पीछे हैं अरुण गोविल, 18,000 वोट से पीछे हो गए अरुण गोविल। मेरठ से इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, टीवी के राम मेनका इन्हें कहा जा रहा था और माना जा रहा था कि जनता भी इन पर विश्वास करेगी, लेकिन कुछ अलग तस्वीर यहां पर दिख रही है, 18,000 से ज्यादा वोटों से ये पीछे चल रहे हैं इस वक्त। तो अरुण गोविल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, मेरठ की बात की हमने, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, कहां की तस्वीर है ये स्क्रीन पर प्लीज डालिए। अगला मेरठ में तो अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं और 18,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, फैजाबाद में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। आखिर क्या जनता संदेश देना चाहती है, कांटे की टक्कर विपक्ष की ओर से है या जनता की ओर से कुछ अलग मुद्दों की जरूरत जताई जा रही है, ये समझने की जरूरत है। ये देखिए एक और तस्वीर आ गई है,
एसपी गाजीपुर आगे, एसपी कैंडिडेट गाजीपुर में आगे, अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। अफजाल अंसारी लगातार मजबूत कैंडिडेट यहां से माने जा रहे थे। मुख्तार अंसारी जिनकी हाल ही में डेथ हुई, कई मामलों में वो आरोपी रहे, 80 से ज्यादा मामलों में सजा याफ्ता भी रहे और इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। अफजाल अंसारी एक यहाँ पे कहा जा रहा था कि लोगों की संवेदनाएं भी उनसे जुड़ गई। और ये राजकुमार सांगवान बागपत से बीजेपी के प्रत्याशी जो कि आगे चल रहे हैं, 81,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो हर एक तस्वीर न्यूज़ है।